तब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कानून के जबरन ना थोपा जाए और एक समान कानून लागू होगा तो देश मजबूत होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संकीर्ण राजनीति के स्वार्थ के लिए काम कर रही है, केंद्र सरकार को महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बड़ा बयान आ रहा है मायावती की तरफ से, जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं, जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो उचित नहीं है। जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए। और अगली खबर रामपुर से है, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 12 साल के नशेड़ी लड़के ने 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। आरोपी शराब और स्मैक के नशे का आदी है। शुरुआती जांच में पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने पूरी घटना को कबूल कर लिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई करने की बात कर रही है। 6 साल का बच्चा LKG में पढ़ता था और इसी साल स्कूल जाना शुरू किया था। रामपुर की वारदात हम आपको बता रहे हैं, रामपुर की वारदात के बारे में बता रहे हैं, जहां 12 साल के एक नाबालिग ने 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। बच्चा अभी स्कूल जाना उसने शुरू ही किया था, LKG क्लास में पढ़ता था, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अपराधी नशे में रहता था और शराब और स्मैक का आदी था। उसका बच्चा दिन में 10 बजे के करीब से गायब है। इस पर सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके का निरीक्षण किया और पूछताछ करनी शुरू की। उसी में योगेंद्र यादव का पड़ोसी ही, जिसकी उम्र 12-13 साल है, उस लड़के से पूछताछ जब पुलिस ने की तो उसने कहा कि मैंने इस योगेंद्र यादव के बच्चे को, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, जिसका नाम योग यादव है, उसे मारकर हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप के पास गड्ढे के पास फेंक दिया है। पुलिस ने इस बाल अपचारी की निशानी पर सबको बरामद किया और जो बच्चे का कपड़ा नहीं था शरीर पर, उसके कपड़े बरामद किए, आला कतर बरामद किया और जो अपचारी है इसे गिरफ्तार कर लिया। ये अपचारी शराब पीने का आदी है और स्मैक वगैरह पीता है। इसकी उम्र कम है, लेकिन इस तरह के व्यसन में पड़ गया है। तो बच्चा है योग यादव, इसके पोस्टमार्टम के लिए सब भेज दिया गया है और उनकी कार्रवाई की जा रही है। चलिए अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवकों पर चंद्रशेखर आजाद पर हमले का आरोप लगा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले का आरोप लगा है। गिरफ्तार युवकों पर 1 हरियाणा और 3 देवबंद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अंबाला ढाबे से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को हुआ था हमला, तो आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 28 जून को चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था, जिसमें उन्हें गोली छूकर निकल गई थी और अब उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।